ऑल राइट गाइस, आप देख रहे हैं बिग बॉस का अनसीन अनदेखी स्टोरी। बिग बॉस 13 के फिनाले से पहले सिद्धार्थ शुक्ला ने ऐसी चाल चली, बदल डाला पूरा गेम प्लान। इसमें दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि बिग बॉस 13 के फिनाले के सभी कंटेस्टेंट के बीच खलबली मची हुई है, क्योंकि फिनाले करीब है। इस शो की ट्रॉफी हासिल करने के लिए घर के सभी सदस्य अपनी जुगत लगा रहे हैं। इसी बीच सबसे शातिर खिलाड़ी बनकर उभरे हैं सिद्धार्थ शुक्ला। वो पहले से ही इस सीजन के सबसे लोकप्रिय और स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं, लेकिन अब सीजन खत्म होते होते अपना गेम बदलते दिखाई दे रहे हैं। पूरे सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला ने लड़ाई झगड़े और हाथापाई के साथ साथ शहनाज गिल के साथ प्यार भरा रिश्ता भी दिखाया है। वहीं अब आखिर में सिद्धार्थ ने अपना गेम प्लान बदल डाला। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना सफर शुरू किया था एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर जो मजबूत हैं, एग्रेसिव हैं और अकेले गेम खेलता है। इसके बाद इन्होंने कभी पारस छाबड़ा तो कभी आसिम रियाज तो कभी रश्मि देसाई से जबरदस्ती लड़ाई करके सुर्खियां बटोरी। सिर्फ यही नहीं, शहनाज गिल के साथ उनका प्यार भरा रिश्ता भी लोगों को खूब पसंद आया। यहां तक कि सोशल मीडिया पर हैशटैग सिडनास ट्रेंड करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सिद्धार्थ समझ गए हैं कि शो जीतने के लिए उन्हें क्या करना है। सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज का साथ छोड़ दिया है और उन्हें साफ शब्दों में अलग हो जाने के लिए कह दिया है। शहनाज के लाख मनाने पर भी सिद्धार्थ नहीं माने। वहीं शहनाज को छोड़कर अब सिद्धार्थ ने घर की एक और स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट का साथ थामने का मन बना लिया है। ये कंटेस्टेंट है आरती सिंह। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में नॉमिनेशन प्रक्रिया में सिद्धार्थ ने आरती को सेव किया है। इस फैसले के बाद शहनाज बुरी तरह चिढ़ गई हैं। उन्होंने आरती से झगड़ा भी कर लिया है। सिद्धार्थ के इस फैसले को उनका गेम प्लान माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जिसके साथ सिद्धार्थ थे यानी पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा दोनों शो में कमजोर साबित हो रहे हैं। सिद्धार्थ को किसी मजबूत और भरोसेमंद साथी की जरूरत है। आरती के साथ सिद्धार्थ के रिश्ते काफी अच्छे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सिद्धार्थ अपने गेम प्लान में आरती को शामिल कर चुके हैं, और साथ ही साथ में सिद्धार्थ का ये रंग देखते हुए आसिम रियाज और रश्मि देसाई भी बदल चुके हैं। हालांकि गेम की बात करें तो सभी कंटेस्टेंट ने किसी न किसी तरह अपना गेम प्लान बदल लिया है। आसिम शान से एग्रेसिव हुए तो वहीं रश्मि देसाई कंफ्यूज के टैग से बाहर निकलकर मजबूती से सामने आई हैं। वहीं पारस छाबड़ा ने खुद को प्लेबॉय बताकर गेम शुरू किया था, लेकिन आखिर में वो माहिरा शर्मा के साथ ही गेम खेलते दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारी ये थी बिग बॉस की अनसीन अनदेखी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।